Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? मैं सुलेखा अरफा, सुलेखास किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ चिकन अफगान ग्रेवी। बहुत ही मजेदार बनती है। रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के साथ भी सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, लिंक आप वहाँ चेक कर लीजिए। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज की रेसिपी बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए सबसे पहले एक मसाला बना लेते हैं। ये एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने मोटा मोटा काट के डाला है। 6 हरी मिर्चियां डाल रही हूँ, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना मैंने फुदीना डाला है, आपके पास ज्यादा हो तो आप 2-3 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और 1 मुट्ठी भरकर कोथमीर मतलब हरा धनिया भी डाल दीजिए। ये 20 काजू है और थोड़ा सा दूध डालकर बहुत अच्छे से इसे बारीक पीस लीजिए ऐसे। चलिए चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तकरीबन 700 से 800 ग्राम के दरमियान चिकन है, हड्डियों के साथ है, इसको मैंने धो लिया है। अब इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। मैं आधा नींबू डाल रही हूँ छोटा था, आप 1 से 2 छोटे चाय के चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। 3 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए। सबसे पहले तो मैं मिक्स कर लेती हूँ ये सारी चीज़ें डालकर। उसके बाद 1 कप फ्रेश मलाई डाल दीजिए। वैसे ये बाजार की है, मैंने जो इस्तेमाल की है आप घर की भी ले सकते हैं। जो दूध के ऊपर की मलाई होती है ना, उसे थोड़ा सा पीस लीजिएगा मिक्सर जार के अंदर डालकर फिर डालिएगा। और ये है 1 कप दही, गाढ़ी दही है, खट्टी नहीं है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखिएगा। और जो मसाला हमने पीस के रखा ये सारा डाल दीजिए, जो भी मिक्सर जार के अंदर लगा हो वो भी निकाल कर सारा डालिएगा। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, अगर नमक कम लगे तो डालकर मिक्स कर लीजिए। ढक कर मैरिनेट करने आप चाहे तो फ्रिज में रख दें या फिर बाहर रख दें आधे 1 घंटे के लिए, या आपके पास जितना समय हो उतने समय के लिए। कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर 1 से 2 टेबल स्पून जितना मक्खन डालिए और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। ये चिकन मैरिनेट होके 1 घंटा हो चुका है, चूल्हा चालू कर दीजिए और चिकन को एक एक चिकन लीजिए। पहले तो चूल्हा मीडियम कर दीजिए और एक एक चिकन लीजिए और उसे थोड़ा सा ये जो वेल कोटेड है ना उसका वो जो मसाला है वो निकाल दीजिए जितना आप निकाल सकते हैं हल्के हल्के हाथ से। तो ऐसा होना चाहिए कि हल्का हल्का मसाला लगी हुई चिकन है और बाकी का जो मसाला बचेगा उसको हम बाद में यूटिलाइज करेंगे। तो ये सारे हाथों की मदद से एक एक करके जरा नितार नितार कर हाथों की मदद से ये एक एक पिक करके चिकन को डालते जाए। अब इसे बार बार चिकन को चलाते जाएं और मीडियम आंच पर फ्राई करें तकरीबन 9 से 10 मिनट। अच्छा, बीच में इस तरीके से आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये मसाला ऊज आउट हो रहा है तो उसे भी निकाल कर साइड पर रख दीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ इस समय रखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ तो हमें सारा पूरा उसे ड्राई आउट ही करना है। तो ये मसाला हमारे पास रहेगा तो हम हमारे ग्रेवी में यूटिलाइज कर सकेंगे। तो तकरीबन इसे बार बार चलाते रहें और 9-10 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करते रहें मीडियम आँच पर। 9 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चिकन पूरी तरीके से ड्राई आउट भी हो चुकी है और दोनों ओर से हल्का हल्का स्पॉट्स लगना शुरू हुए। तो यहाँ 2 तरीके हैं, आप चाहें तो ये कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर ही दोनों ओर स्पॉट्स दे दें चिकन को, पूरी तरीके से ग्रिल टाइप कर लें, अच्छा दोनों ओर से स्पॉट्स आ जाए फिर निकालें, या फिर मेरी तरह मैं क्या कर रही हूँ ग्रिल कर रही हूँ। तो मैं ग्रिलिंग प्लेट गैस के ऊपर रख रही हूँ और ये जो चिकन के पीसेस है बार बार रखते जा रही हूँ डायरेक्टली गैस के ऊपर, उलट पलट करते हुए थोड़ा ग्रिल कर लेती हूँ, थोड़े स्पॉट्स आ जाते हैं तो इन्हें निकाल लेती हूँ, इसी तरीके से सारे बैचेस में ग्रिल कर लेती हूँ। तो आप चाहें या फिर कढ़ाई के अंदर ही ग्रिल कर लें दोनों ओर स्पॉट्स आ जाए तो निकालें, या फिर मेरी तरह गैस के ऊपर ग्रिलिंग प्लेट के ऊपर आप कर लें, दोनों ही तरीके सही है। माशाल्लाह क्या बढ़िया लग रही है चिकन, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसी समय थोड़ी खा लें, हमारे यहाँ तो ये थोड़ी थोड़ी करके खाई जाएगी। चलिए अब हम आगे ग्रेवी बना लेते हैं, कितनी बढ़िया लग रही है देख रहे हैं ना। अब एक कढ़ाई या फ्राई पैन, वही सेम कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, 1-2 टेबल स्पून जितना मक्खन डाल दीजिए, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची और 2 काली मिरी डालकर उसे हल्का तड़तड़ा जाने दीजिए गरम तेल के अंदर। जब तड़तड़ा जाए तो ये जो हमने मसाला बना के रखा है वो सारा डाल दीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए पूरा। और वो जो दूसरा मसाला भी हमने जो बना के रखा था साइड पर निकाल के रखा था जब चिकन फ्राई किए थे आपने, वो भी इसमें डाल दीजिए पूरा। अब इसमें मसाले डालने से पहले मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ और इसे सबसे पहले तो एक बार मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर लें तो इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, फाइन एकदम पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, घर का पिसा हुआ थोड़ा दरदरा टाइप होना चाहिए, 1/4 या 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 या 1.5 छोटा चम्मच
कसूरी मेथी सूखी हुई हाथों की मदद से इस तरीके से आप चाहे तो क्रश करके डालें या फिर थोड़ा सा भून लें तवे पे और उसे पीस लें और फिर डाल दें, सूखा पीसिएगा। और सारी चीज़ों को सबसे पहले तो मिक्स कर लें। अब जब मिक्स हो जाए तो मैं चूल्हे को कर देती हूँ मीडियम आँच। चलिए, चूल्हा कर दिया मैंने मीडियम आँच और एक से दो बार उबाल खिला लीजिए। ये साइड पर जो आपने देखा अभी पानी डालकर रखा है मिक्सर जार के अंदर, समझिए ना 3/4 कप जितना है, पहले मैंने जिसमें मैरिनेट करने रखा था उसमें चलाकर डाला, फिर ये मिक्सर जार वाले में डाला है। और ये देखिए एक से दो उबाल आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप चिकन डाल दीजिए जो सारी आपने ग्रिल करके रखी है। प्लेट में जो भी लगा हुआ है वो इस तरीके से सारा ले लीजिए, कोई भी चीज़ वेस्ट मत कीजिए। इसे एक बार चला लीजिए, चूल्हा मीडियम पर ही है। जो पानी साइड पर रखा है 3/4 कप जितना, ये मैं डाल देती हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो मैंने 3/4 कप डाला है, आप चाहें तो आधा कप भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए एक बार और उसमें मीडियम आँच पर उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो स्लो आँच करके ढक के इसे तकरीबन, समझे ना, पहले हमने थोड़ा पकाया 10 मिनट तक, तो अभी 15-17 मिनट इसे रहने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। चलिए 15-16 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हल्की हल्की जो तेल जो भी हमने डाला था वो ऊपर आ चुका है। चूल्हा मैं कर देती हूँ बंद और इसमें रख देती हूँ एक स्टील की वाटी बीच में और कोयले का टांडा दे देती हूँ, बढ़िया टेस्ट आएगा। इसमें कोयला रख दीजिए गर्म करके और क्विकली तेल घी या मक्खन डालकर इसे ढक दें और इसके ऊपर थोड़ा वजन रख दें। 4-5 मिनट के बाद इसे हटा दीजिए वजन और ये कोयले को फेंक दे। तो ये बन गई हमारी आज की रेसिपी चिकन अफगानी, बढ़िया सी मज़ेदार सी। तो चलिए मैं टेस्ट करके बता देती हूँ आज की रेसिपी कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़िया, एकदम क्रीमी, चटपटी सी, मजेदार सी। और एक तो ग्रिल करी हुई चिकन है और फिर ऊपर से कोयले का टांडा दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ रहा है, कोयले का फ्लेवर भी आ रहा है। अच्छा, स्पाइस हरी मिर्ची अपने हिसाब से एडजस्ट करें और काली मिर्च और ये जो गरम मसाला है ये भी अपने हिसाब से ही एडजस्ट करें और चाट मसाला भी अपने हिसाब से एडजस्ट करें, आप चाहे तो कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए मैं गर्मा गर्म इसे निकाल लेती हूँ। आप चाहे तो कोयले का टांडा जो है स्किप कर सकते हैं पूरी तरीके से, या फिर मेरी तरह दें ग्रेवी और चिकन दोनों के ऊपर, या फिर आप चाहें तो सिर्फ चिकन के ऊपर भी जब ग्रिल कर लेते हैं तब दे सकते हैं। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अनुदैन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।